नमस्कार दोस्तों, तहलका हरियाणा से मैं राजेंद्र रावत, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना न्यूज़ चैनल, आपकी अपनी आवाज़। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं और मॉडल हैं। काफ़ी सारे सॉन्ग्स में इन्होंने अभिनय दिया है, अपने जो है अभिनय का जादू बिखेरा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार राजेंद्र जी, और आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं तहलका हरियाणा देखने वालों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम जी। सर ये डॉक्टर, फिल्म मेकर और मॉडल, मतलब कहाँ डॉक्टर प्रोफेशन और ये कहाँ से कहाँ शुरुआत कैसी हुई आपकी अपनी? एक्चुअली शौक तो बचपन से था कि कुछ ना कुछ अलग से पहचान बनाए, क्योंकि भीड़ में तो सभी चलते हैं, भीड़ से अलग दिखना भी एक अलग है, तो मन में था कि कुछ अलग करे, तो बचपन से शौक था तो करते रहे कुछ ना कुछ नाटक बचपन में ऐसे ही, तो मन था कि कुछ अच्छा करें। हरियाणा को देखते आ रहे थे, बॉलीवुड को देखते आ रहे थे, तो 2001 में जसपाल भट्टी जी, उनके पास में गया, तो उनके पास में कुछ दिन रहा, सीखा, क्योंकि मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, तो कुछ अल्फा पंजाबी चैनल था तो उन पे हमने काम भी किया, प्रोजेक्ट भी किए, तो वहाँ कुछ दिन करने के बाद आ गए, फिर हरियाणा को फिर देखा, बॉलीवुड को फिर देखते रहे, तो मन में आया कि कुछ अलग करना है। अच्छा, जसपाल भट्टी के साथ आपको कैसा अनुभव रहा? जी वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। अभी तो उनका एक स्टूडियो है तो वहाँ बच्चे सीखते भी हैं, क्योंकि उसकी नींव हम इकट्ठे रखी थी सभी, तो इकट्ठे वहाँ हमने उसको देखा, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा जी, तो पहली जो आपने हरियाणवी मूवी की है, जो भी आपका पहला जो कार्य रहा है, जो मतलब पर्दे पे जो है, तो वो कौन सा था सर? हरियाणा का मैंने 2007 में कुछ मेरे सॉन्ग थे वो मैंने किए थे, कुछ कंपनीज के थे सुपर लाइन वगैरह के, तो उस टाइम हाँ ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। हरियाणा जो अभी आप कर रहे हैं, ये एक मूवी है जो जी पुनर्जन्म जी स्टेज ऐप के लिए, जी जी, उसमें आपका क्या किरदार है? देखिए उसमें वैसे स्टोरी तो मैं बताऊँ नहीं गा, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जो मेरा बेटा है उसका पुनर्जन्म होता है। अच्छा, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, तो उसको हम लेके उसके जो पिछला जन्म का घर है वहाँ जाते हैं, तो वो स्टोरी सारी ऐसे है। तो मैंने एक फादर का करेक्टर किया है, अभी आप गेटअप भी देख सकते हो, क्योंकि इसी गेटअप में मेरा करेक्टर चला हुआ है कंटिन्यू, लगभग 10-15 दिन से हमारा शूट जो है ना कंटिन्यू है, तो इसी गेटअप में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, आज शूट पे ही हम जो आप आए हो। और इसके आगे और इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहें, डिस्कस करना चाहें, जिसने मतलब कि आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, आपके अभिनय जो यात्रा है उस पे छाप छोड़ी हो, तो वो मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे। वैसे तो हरियाणा में मैंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन अभी जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है सुमन सेन जी का और मेरा, आशुमन प्रोडक्शन का है, तो उसमें एक दो मूवीज हमारी अभी आ रही हैं, जिसमें एक थिएटर के लिए है, रोहतक कब्जा नाम से है, रोहतक कब्जा कब्जा जी, ये गैंगस्टर मूवी है, तो उसमें सही लग रहा है तो ऑलमोस्ट इसमें हरियाणा के सभी आर्टिस्ट हैं, विक्की काजला है, अंजलि राघव है, दीपक कपूर, जोगिंदर कुंडू, महेंद्र कादियान, अमर कटारिया, तो बहुत सारे आर्टिस्ट इसके अंदर, हरियाणा के सारे कलाकारों को एक उसमें डाल दिया। जी जी जी, एक बास्केट में इकट्ठा कर दिया। जी तो अभी उस पर काम चला हुआ है, बीजीएम जो उसका रेडी होने वाला है, तो शायद नेक्स्ट मंथ उसको रिलीज करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ मेरी जो है ना दो मूवीज अभी और आ रही हैं, जिसमें खुद के प्रोडक्शन की एक है अनामिका, जिनको लिखा है सुमन सेन जी, डायरेक्ट भी किया, और एक स्वर्ग नरक है जो अभी स्टेज ऐप पे आने वाली है, अभी नेक्स्ट मंथ से ही आ जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो स्टेज ऐप है उसने कितना, पूछना चाहूँगा ये स्टेज ऐप जो है, ये हरियाणा की लोक संस्कृति और यहाँ हरियाणा राजस्थान की लोक संस्कृति को सहेजने और जो मतलब संभालने का काम कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो, जो प्रतिभाएं जो हरियाणा के एक गाँव में, शहरों में छिपी हुई हैं, जिनको आगे आने का यानी कि अच्छा काम करने का मौका नहीं मिल पाया। भाई देखिए, हर कोई मुंबई जा नहीं सकता जी, जी। और जाएगा तो खर्चा बहुत है जी। तो ये क्या मानते हैं स्टेज ऐप इसमें क्या कर रही है? देखो सर, एक मेरा मन था ये लगा लो कि जब मैं इस लाइन में आया था
तो कुछ अच्छा करने की कोशिश थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन उस टाइम हरियाणा शायद इतना ग्रो नहीं कर पाया था, तो मैंने मुंबई की तरफ टर्न किया था तो कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। तो मुंबई में जाने के बाद एक फिल्म थी गोल्डन बॉय, जिसमें मुझे डॉक्टर का करेक्टर मिला था, स्टार प्लस का सीरियल कहीं तो होगा, सब टीवी, तो 2004 से 5 तक मैंने वहाँ बहुत काम किया था कि कुछ अच्छा अलग करें। लेकिन वही दौर स्टेज ऐप हरियाणा में लेके आई है, क्योंकि जो अच्छा करना चाहते थे, अच्छा दिखना चाहते थे, तो स्टेज ऐप ने किया है एक आर्टिस्ट को, उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां वो जाना चाहता था जी, जहां वो मुंबई नहीं, आप हरियाणा में भी काम कर सकते हैं। तो स्टेज ऐप ने हरियाणा में ही मुंबई खड़ी कर दी है। ये हुई बात जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि यहाँ के आर्टिस्ट को अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई वाले हरियाणा में आके काम कर रहे हैं। अब जैसे सतीश कौशिक जी हो गए, अमरलाल बब्बर जी हो गए, यशपाल शर्मा जी हैं, ये सभी यहाँ पे कर रहे हैं। दादा लक्ष्मी देखो, हरियाणा देखो, कितनी अच्छी मूवी। और आने वाले टाइम में मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जैसे साउथ जो है बॉलीवुड को क्रॉस कर गया है, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री जो ग्रो करने लग रही है, नए नए बच्चे सीख के आ रहे हैं, एक से ऊपर काम करते जा रहे हैं, तो कुछ क्रिएटिव माइंड है, कुछ नया खून है, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आप देख सकते हो हरियाणा ने अपना जो है ना नंबर वन पे अभी तक चला हुआ है, हर विदेश में हर शहर में ये गाने हमारे हरियाणा के बजते हैं। वही जो टाइम है, क्योंकि हरियाणवी बोली को लोग पसंद करना लगे हैं, अभी आपने देखी है जो पुष्पा फिल्म में भी एक करेक्टर हरियाणवी था इंस्पेक्टर का, तो ऐसे ऐसे हरियाणा के बहुत सारे जो करेक्टर है ना बॉलीवुड साउथ फिल्मों में आने लगे हैं, तो क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब आपको हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि आपकी फिल्में चलें और दर्शकों को पसंद आएँ और आपका काम देखें लोग बाग, और स्टेज ऐप पे जो आपकी फिल्म आ रही है पुनर्जन्म, उसमें आपका काम देखें जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपको वो न्यूज़ पहुँचाता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे आप हमें जानते नहीं थे तो आप तक हमारे को पहुँचाया गया है, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।